So, good morning students. Today we are going to discuss P block elements. So, first of all, what are P block elements? P block elements are those elements in which last electron enters into P subshell. ऐसे elements जिनमें last electron enter करता है ऐसे P subshell में, इस तरह के elements को क्या बोलेंगे? P block elements. Last electron enter करेगा P subshell में, इस तरह के elements को बोलते हैं P block elements. तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन व्हाट पी ब्लॉक. सो ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 एलिमेंट्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है. बोरोन फैमिली होगी, कार्बन फैमिली के जो भी एलिमेंट्स है वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं प्रीवियस क्लास में, प्लस वन में और प्लस टू में. यहाँ पे हम जो स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 15 एलिमेंट्स. बट हेयर आई एम राइटिंग द एंटायर पीरियोडिक टेबल. हेयर पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो यहाँ पे ग्रुप 13 में, 13th ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 13. ग्रुप 13 में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. इसके बाद आता है ग्रुप 14. ग्रुप 14 में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 14. देन ग्रुप 15 की बात करें अगर, सो इन केस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स वी हैव नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 15. ग्रुप 16 की अगर बात करें तो ग्रुप 16 में है हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. ठीक है, तो ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसमें? ग्रुप 16 में. अगर ग्रुप 17 की बात करें तो यहां पे हमारे पास प्रेजेंट है हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन. ये हेलोजन्स प्रेजेंट है किसमें? ग्रुप 17 में. और अगर ग्रुप 18 की बात करें तो ग्रुप 18 में हमारे पास प्रेजेंट है, यहां पे आ जाती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन. तो ये एलिमेंट्स हैं, ये प्रेजेंट है किसमें? पी ब्लॉक में. ऑल दीज आर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक. सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको पहले बताई, ऐसे एलिमेंट्स जिनके केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है? पी सबशेल में एंटर करता है, इस तरह के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होगी, दैट विल बी NS2 NP126. दिस विल बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होगी NS2 NP126. इसके केस में आ जाएगा NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 एंड NP6. ठीक है, सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में. एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स अलोंग विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को और क्या बोला जाता है? दीज आर ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. सो वट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? The S block elements and P block elements are collectively known as representative elements. S block elements और P block elements को collectively क्या बोलते हैं? Representative elements. So ये तो हो गया आपके पास ग्रुप 13, ये हो गया ग्रुप 14, ये आ गया आपके पास ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ये कौन सा है? ग्रुप 18. So here we will start from group 15 elements. यहाँ पे plus 2 में जो हम start करेंगे वो किससे start करेंगे? Group 15 elements से start करेंगे. Group 15 elements में
जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है एंड बिस्मथ. ठीक है, सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स. सो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? ग्रुप 15 एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So, अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, देन इट विल बी NS2 एंड NP3. दिस विल बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. सो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में अगर हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नाइट्रोजन के केस में होगी हीलियम 2, 2s2 एंड 2p3. देन फॉस्फोरस के केस में नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 3s2 एंड 3p3, 15 है एटॉमिक नंबर फास्फोरस का. आर्सेनिक के केस में अगर आर्सेनिक की बात करते हैं, आर्सेनिक के केस में आ जाएगा आर्गन 18, 3d10, 4s2, 4p3. देन अगर एंटीमनी की बात करते हैं, इन केस ऑफ एंटीमनी क्रिप्टॉन एंड 36 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फिल हो जाएंगे, 36, 4d10, 5s2, 5p3. एंड बिस्मथ की अगर बात करते हैं तो बिस्मथ के केस में 54 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे, जीनोन तक आगे 54, 4f14, 5d10, 6s2 एंड 6p3. सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. ग्रुप 15 एलिमेंट्स के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होगी. अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. इसके बाद और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एटॉमिक साइज. सो हाउ डू एटॉमिक साइज वेरी अमंग द ग्रुप 15 एलिमेंट्स. सो नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज. सो एटॉमिक साइज अमंग द ग्रुप 15 एलिमेंट्स, एटॉमिक साइज इनक्रीजेस एज we move top to bottom, as we move top to bottom among the group 15 elements. So straightforward concept is there, no exception is there. As we will move top to bottom among the group 15 elements, the atomic size will increase. Means nitrogen, then phosphorus, phosphorus will have greater atomic size, then arsenic, antimony and bismuth. So as we will move, the atomic size will increase as we are moving top to bottom. टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगा, ये इंक्रीज करता जाएगा. नाइट्रोजन के केस में स्मॉलेस्ट होगा, उसके बाद फास्फोरस के केस में इंक्रीज करता जाएगा, आर्सेनिक के केस में और ज्यादा इंक्रीज होगा, एंटीमनी के केस में और ज्यादा इंक्रीज करेगा, बिस्मथ के केस में और ज्यादा इंक्रीज करेगा. अब इसका रीजन भी समझ लेते हैं कि क्यों टॉप टू बॉटम जैसे हम मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज करता है. सो वी हैव स्टडीड एज वी विल मूव टॉप टू बॉटम, वी हैव रिटन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. As we will move top to bottom, the electron will be added into new shell. So, atom के केस में क्या add हो रहा है? एक नया shell जो है वो add हो रहा है. जैसे ही नया shell add होगा तो electron cloud भी क्या कर रहा है? Expand कर रहा है, और nucleus की distance outermost electron से क्या हो रही है? Increase कर रही है. So, due to increase in the distance of outermost electron and the nucleus, the atomic size will increase. So, due to addition of new shell, the atomic size will increase. So, as we will move top to bottom among the group 15 elements, the atomic size will increase top to bottom. ठीक है, top to bottom move कर रहे हैं तो atomic size कैसे vary कर रहा है? Increase कर रहा है. Next factor is ionization energy. Next characteristic is ionization energy.
सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, प्लस वन क्लास में ऑलरेडी अपने पढ़ रखा है व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. सो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. सो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, डिक्रीज करेगी. ठीक है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं अगर तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो कैसे वेरी करेगी, डिक्रीज करेगी. एंड सो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, इट विल डिक्रीज. सो अगर हम मेरे पास ये एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, अगर इनके केस में मुझे कंपैरिजन करना हो तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसके केस में आएगी, नाइट्रोजन के केस में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद एंटीमनी. हाँ, यहाँ पे स्लाइट वेरिएशन हो सकती है, एंटीमनी और बिस्मथ के केस में जो है वो स्लाइट वेरिएशन हो सकती है, बिस्मथ में है मोर आयनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू एंटीमनी. एंड हियर द इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में overweight as compared to screening constant or increase in nuclear size, increase in atomic size. So यहाँ पे अगर हम simply बात करें तो nitrogen और phosphorus का जैसे मैं comparison लेके चल रहा हूँ, nitrogen के case में और phosphorus के case में, see हमने एक factor study कर लिया जैसे atomic size का, तो atomic size के basis पे अगर हम इस ionization energy को explain करना चाहें इसके case में तो explain कर सकते हैं. nitrogen के case में जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉल है, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. मींस नाइट्रोजन इज हैविंग व्हाट, ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी. देन फास्फोरस के केस में देखें तो क्या हुआ, टॉप टू बॉटम आए हम, एटॉमिक साइज कैसे वेरी किया, इंक्रीज किया है. फास्फोरस के न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, वीकर होगा इन कंपैरिजन विद नाइट्रोजन, सो रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट, इजियर. देन फास्फोरस और आर्सेनिक का और कंपैरिजन कर लेते हैं, इसके केस में और ज्यादा लार्जर साइज है, इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, वीकर, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट, इजियर. तो यहाँ पे इजिली इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किया जा सकता है. तो अगर इन तीन एलिमेंट्स का मैं कंपेरिजन करूं तो जो आर्सेनिक है इसके केस में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू फास्फोरस. आर्सेनिक की आयनाइजेशन एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू फास्फोरस, फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन. सो इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, एटॉमिक साइज के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट to attract the shared pairs of electrons towards itself. What is electronegativity? Tendency of an atom of element to attract the shared pairs of electrons towards itself. So, अगर हम electronegativity की variation देखें, हम यहाँ पे along the group heat study कर रहे हैं, तो अगर हम variation देखें, देखो nitrogen और phosphorus के case में सीधी सी बात है, nitrogen का atomic size है smaller. So, nitrogen का जो न्यूक्लियस है, नाइट्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजीली क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. फास्फोरस के केस में ऐसा नहीं होगा, और लार्जर साइज वाले एटम्स हैं तो उनके केस में जो एटॉमिक रेडियस ज्यादा होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो एटॉमिक जो एटॉमिक रेडियस है उसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जितनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी उतनी ही कम क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतना ही कम क्या होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर होगा. तो एटॉमिक साइज हमें पता है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज करता है, डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करेगी, डिक्रीज करेगी. ठीक है, सो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हुआ, दस. लीस्ट कौन सा हुआ, दस. ठीक है, सो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल साइज है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ पे लार्ज साइज होने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज मेटालिक कैरेक्टर. सो अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करें, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक,
एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस तो हमारे पास ये तो क्या है, नॉन मेटल्स है। सबको पता है नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। फास्फोरस क्या है, ये तो है नॉन मेटल, ठीक है। और आर्सेनिक और एंटीमनी की अगर बात करें तो ये तो है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, मेटल्स की भी एज वेल एज नॉन मेटल्स की। और बिस्मथ हमारे पास ये क्या एग्जिस्ट करेगा, सो अब इनकी लोकेशन भी देखो, पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम होती है। जैसे यहां भी मैंने लिख दिया नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया। तो आप यहां से ही स्टडी कर सकते हो कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो कैसे वेरी कर रहा है। ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, मेटलॉइड है, और यहाँ पे ये क्या है, मेटल है। तो मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम कैसे वेरी कर रहा है, इनक्रीज कर रहा है, ठीक है। नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड देयर आफ्टर मेटल्स, ठीक है। अब मेटालिक कैरेक्टर को आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। वी हैव स्टडीड मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। तो ये तो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स हुए, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कैसे वेरी कर रहा है, इनक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर कैसे वेरी कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिस्मथ जो है वो आपके पास क्या होगा, ये तो आगे मेटल मीन्स मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं अगर हम, तो इनक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो मेटालिक कैरेक्टर की वेरिएशन भी आप इजीली लिख सकते हो, एज वी विल मूव टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप 15 एलिमेंट्स देन द मेटालिक कैरेक्टर विल इनक्रीज, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करेगा, इनक्रीज करेगा। सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को, हाँ तो ये सेम एक ही कैरेक्टरिस्टिक इसमें दोनों मेंशन कर रखे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक ही कैरेक्टरिस्टिक में। बट बॉइलिंग पॉइंट का तो ट्रेंड सीधा रख लो, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो कैसे वेरी कर रहा है, इनक्रीज कर रहा है। इसको रिलेट कर दो एटॉमिक साइज के साथ, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उतना ही ज्यादा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में अगर हम नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक की तरफ जा रहे हैं तब तो ये क्या करेगा, इनक्रीज करेगा, वही रीजन आ जाएगा एटॉमिक साइज का। बट आर्सेनिक से जैसे एंटीमनी और बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज करता है, और यहां पे जो रीजन होगा क्यों ये डिक्रीज करेगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इंक्रीज का रीजन तो क्लियर है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है डेफिनेटली, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करेगा, इंक्रीज होना चाहिए। बट मेल्टिंग पॉइंट में एक एक्सेप्शन आपको आ जाएगी, उसमें हमने ये भी पढ़ रखा इनर्ट पेयर इफेक्ट प्लस वन में था भी, जैसे व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनएबिलिटी ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन। सो दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जैसे आर्सेनिक से एंटीमनी की तरफ गए, एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ गए, तो मेल्टिंग पॉइंट तो कैसे वेरी कर रहा है, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, द रीजन इज व्हाट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ये हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो इनके केस में हो सकता है दैट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन इज व्हाट, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो जैसे अजाइड आयन है तो उसमें तीन नाइट्रोजन के एटम जो लिंक्ड होते हैं, या फिर आपके पास डाइफॉस्फीन है तो उसके केस में फॉस्फोरस, या फिर फॉस्फोरस की एग्जिस्टेंस देख लो वो P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या है, ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक कैटेनेशन के बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आता है वो है एलोट्रॉपिक। डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स इनके केस में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स के केस में दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। सो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में दे कैन एग्जिबिट अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग अ स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जिस तरह से हमने एसलोक एलिमेंट्स के केस में जैसे एल्कली मेटल्स थी तो उनके केस में प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड कर ली थी कि इनके केस में प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो उनके केस में मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, प्लस टू थी। बट यहाँ पे ग्रुप 15 एलिमेंट्स के केस में कोई स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, दे कैन एग्जिबिट अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक सिंपल से एग्जांपल्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन एग्जांपल्स में आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मेरे पास है
NH3 मॉलिक्यूल है, N2O है, NO है, NH2OH है। इन सब एलिमेंट्स में आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो फाइंड आउट कर सकते हो। N2O4 है, NO2 है, देन और भी डिफरेंट एलिमेंट्स है आपके पास, N2O5 है, ठीक है। सो यहां पे अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नाइट्रोजन की आएगी। सो जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है दे कैन एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे -3 भी आ रही है, +5 भी आ रही है, +3 भी आ रही है, +2 भी आ रही है, +4 भी आ रही है, -1 भी आ रही है, +1 भी आ रही है। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो एग्जिबिट कर सकते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। सो ग्रुप 15 के जो भी एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो एग्जिबिट कर सकते हैं। सो वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन ईच केस।